देखो क्वेश्चन लिखो, कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे। देखो उस वृत्त का अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो प्रति चौदांश में स्थित है और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है एंड हैविंग टेंजेंशियल नेचर फॉर बोथ एक्सिस। यह है कुछ, एक सर्किल है थर्ड क्वाड्रेंट पे बैठा है और दोनों अक्षों को क्या करता है स्पर्श करता, दोनों एक्सिस को टेंजेंट करता, दो कैसे बने कराएंगे ना सर्किल है। अब इसको थर्ड में लाना तो ऐसे रहेंगे सर्किल बनाने के बाद इधर बनाना पहुंचा दिया थर्ड में, ये क्या होगा ये वाई एक्सिस, ये यहां से आकर मॉडल लेंथ कितनी है के, और जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो गहराई भी की होगी सेंटर की, इधर भी की होगा ना, अगर दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये ब्रेथ और डेप्थ दोनों कैसी होगी सेम होगी ना, सर्किल चारों तरफ बराबर डिस्टेंस कवर करता है, जितनी गहराई पे टच करेगा उतनी गहराई पे सेंटर मिल गया इससे तरीके से। ये हो गया सेंटर, इधर जाने पर कैसे चलोगे नेगेटिव, यहाँ एक्स में आए माइनस की और नीचे नेगेटिव होता है, सेंटर मिला एक्स में माइनस के वाई में माइनस के, तो सेंटर मिला माइनस के कहा माइनस के रेडियस, यही तो रेडियस है, रेडियस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं देते। आप पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल के बाद फिर निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखो कैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स का वाई माइनस के का, एक्स का मतलब पहला डिजिट माइनस के, इस माइनस से प्लस के मतलब दूसरा डिजिट वो भी माइनस के है, इस माइनस से प्लस के आर की वैल्यू डिस्टेंस है रेडियस के। क्वेश्चन नंबर उसको फर्स्ट कर देंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एक्स के y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 y k
सामने क्या है कैंसिल हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स के प्लस टू वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स के टू वाई के और क्या बचा प्लस के स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें कितने कांस्टेंट है, एक ही तो है, तीन जगह बैठा है तीन जगह मगर है एक ही, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे बस। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स के का वन सॉरी कांस्टेंट है टू के एक्स का वन टू के वाई का वाई का डिवाइडेड सब के स्क्वायर कांस्टेंट का यहां से हमें के की वैल्यू देनी पड़ेगी, के वाला टर्म में ये रोक लेंगे टू के प्लस टू के प्लस टू के इसी को वाई डैश बोलते हैं, डिवाइडेड को वाई डैश भी बोलते हैं। बराबर में ले गए माइनस टू एक्स ये माइनस टू वाई और डिवाइडेड मतलब वाई डैश यहां से टू के कॉमन है वन प्लस वाई डैश माइनस टू कॉमन है तो एक्स प्लस वाई वाई डैश टू से टू कैंसिल ए की वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है एक्स प्लस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर सामने के स्क्वायर ए की वैल्यू अभी निकाली है बोलो माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपान वन प्लस वाई डैश का बेटा वाई यहां भी के का मान यही रखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपान वन प्लस वाई डैश और इसमें होल स्क्वायर लगा है होल स्क्वायर यहां भी होल स्क्वायर है फिर यहां भी के है यही वैल्यू रखो लेकिन जब यहां के की वैल्यू रखोगे लगा स्क्वायर होल स्क्वायर से माइनस अपने आप आगे चल के कैंसिल हो ही जाएगा तो हम अभी माइनस नहीं लिखेंगे तो उसको कैंसिल हो जाना है वाई एक्स प्लस वाई वाई डैश अपान वन प्लस वाई डैश। एक स्टेप और बना लेना अगर चाहो तो जहां जहां वाई डैश है उस वाई डैश को क्या लिख दोगे डी वाई अपान बस वही आंसर। अब देखो ये जो आंसर दिख रहा क्या इसमें कहीं कांस्टेंट के है, हमेशा ऐसा आंसर देना पड़ता है जिसमें कोई भी कांस्टेंट ना हो, क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गया।